ये जो कुल ठेकेदार से तसिलता है रुपया, आई जो कमांडो लेकर के चलता है सम्राट, तो जब तक पगड़ी नहीं खोलेगा और जब तक उसको हटावे नहीं, तब तक हम काला टोपी जो हम सर पर रखे हैं देख रहे होंगे, तब तक हम भी टोपी नहीं उतारेंगे। इसको हटाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बेटियों के लिए जो बिहार में सब कुछ किए हैं, आप भी फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं, पुत्र हैं, मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूं, आपसे आग्रह है कि आप जितना जल्दी इससे इस्तीफा लीजिए। मानसिक संतुलन खराब हो गया, बिल्कुल संतुलन खराब हो गया है। रांची तो ले जीते जीते तो दिक्कत होगा, लेकिन यह एम्स जो बनाए हैं, नहीं नहीं एम्स एगो है पटना में, हाँ वह अपना डॉक्टर साहब वीआईपी में कहा को बेड उड खाली रखे, ये चुनाव लोकसभा चुनाव तलक में ये चल जाएगा। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि पगड़ी बांधते बांधते उनका माथा का जो नस है चल गया। वो पगड़ी डुप्लीकेट लाया है, फेविक्यूक जानते हैं ना, फेविक्यूक से चिपका करके वो रख ले। वो स्टेटमेंट था कि अब नीतीश कुमार को जब तक गद्दी पर से नहीं हटा देंगे तब तक जो है अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे, तो कसम तो अभी खाया है तो अभी इतना जल्दी थोड़ी उतार देगा। वो जब तक बीजेपी को धरातल में नहीं लेकर चल जाएगा, कसम खा के गया है, और नीतीश कुमार को तो समाप्त करे को कर तैयारी है। ये जब पहली बार कम उम्र में विधायक बने थे तो क्या अपने बाप को बेच के बने थे? पिताजी तो पहले मतलब लालू यादव के पास रहते थे। बिल्कुल, ये भी लालू यादव के पास रहते थे, ये भी लालू यादव के पास रहते थे, बल्कि लालू जी के ये क्या नहीं किए हैं। अब इनका चाल और चरित्र दूसरे जगह जाने से बदल गया है। जय हिंद, मैं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा जिला के सिलाव प्रखंड के घोसावा पंचायत के सईदपुर गांव में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सईदपुर के स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद जी के सुपुत्र रविराज कुमार उर्फ सुटील यादव जी। और जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य हैं और मतलब एक्टिव सदस्य हैं, जो मतलब राष्ट्रीय जनता दल में मतलब कुछ भी होता है तो उस पर मतलब बोलने के लिए अपना विचार रखते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी सम्राट चौधरी जो है मतलब कि रोहिणी आचार्य जी के ऊपर मतलब अभद्र टिप्पणी किए हैं उस पर ये क्या सोचते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। ग्रेजुएट न्यूज चैनल को मेरे तरफ से स्वागत। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं गार्जियन विजय कुमार यादव जी, जरा सर से पहले पूछा जाए, मैं तो बोलूंगा ही, अध्यक्ष जी को पहले गार्जियन है इनसे। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शक को और आपको इस चैनल में गांव देहात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर, मतलब सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है मतलब लालू परिवार पर मतलब अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो उनका चाल और चरित्र, पार्टी के चाल और चरित्र को दर्शाता है ना। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण करते हैं और दूसरी तरफ ये बिहार की बेटियों पर, देश की बेटियों पर इस तरह का घटिया आरोप लगाना, और लालू जी पर खास करके ऐसा घटिया आरोप लगाना, ये इनके चाल और चरित्र चेहरे को दर्शाता है। आप देखे होंगे यदि ये श्याम रजक कौन सा पैसा देकर विधायक बने थे, भगवतिया देवी कौन सा उनके पास कहाँ से पैसा आया टिकट खरीदने का, वो एमपी बनी थी, और ये खुद जब पहली बार कम उम्र में विधायक बने थे तो क्या अपने बाप को बेच के बने थे? पिताजी तो पहले मतलब लालू यादव के पास रहते थे। बिल्कुल, ये भी लालू यादव के पास रहते थे, ये भी लालू यादव के पास रहते थे, बल्कि लालू जी के ये क्या नहीं किए हैं। अब इनका चाल और चरित्र दूसरे जगह जाने से बदल गया है। वो तो पार्टी का सोच है, पार्टी जैसा जी कहता, कहा जाता है ना कि जिस तरह का संगत होता है उसी तरह का गुण आता है, तो यहाँ तो संस्कार में था, अब दूसरे जगह जाके संस्कार विहीन हो गया। क्या बीजेपी संस्कार विहीन पार्टी है? बिल्कुल संस्कार विहीन पार्टी है, हिंदू भी नहीं है सर। हिंदू रहता तो अपने माँ के श्राद्ध में बाल और दाढ़ी नहीं मुड़ाते। तो पूरा हिंदू धर्म मतलब पूरा मुंडन करवाया जाता है, करवाया जाता है, छुटका हो जाता है, छुटका हो जाता है, ये वो भी नहीं कर सके। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू के हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू क्या है, उनके इनके सर्टिफिकेट बांटने से कोई हिंदू हो जाएगा? जिनको आज तक वंचित रखा गया वो क्या हिंदू नहीं थे? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, और ये सारा देश के जनता, खास गरीब गुरबा बहुजन के लोग ये जान गए हैं कि इनका चाल और चरित्र क्या है। बिहार की आधी आबादी ये समझ गई है कि इनका चाल और चरित्र चेहरा क्या है।
आपका मतलब कहने का साफ साफ मतलब है कि 2024 से मतलब बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा? एकदम हम लोग मन बना लिया है, बिहार के बेटियों ने मन बना लिया है और बिहार के गरीब गुरबा ने मन बना लिया है कि मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं सुटील यादव जी, जो मतलब शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं, किंग ऑफ नालंदा के नाम से जाने जाते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं। किस पर? सम्राट चौधरी पर। पगड़ी वाला जो है बोल रहे हैं कि पगड़ी जब तक मतलब नहीं, कौजी तो बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में 15 दिन मतलब पहले, जैसे पार्टी मारने से 15 दिन पहले। हाँ, वो स्टेटमेंट था कि अब नीतीश कुमार को जब तक गद्दी पर से नहीं हटा देंगे तब तक जो है अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो कसम तो अभी खाया है तो अभी इतना जल्दी थोड़ी उतार देगा वो। जब तक बीजेपी को धरातल में नहीं लेकर चल जाएगा कसम खा के गया है, और नीतीश कुमार को तो समाप्त करे के ओकर तैयारी है ये है, ठीक ना। उसको हम 2000 से जानते हैं, हमसे अच्छी मित्रता भी है। 2000 से मैं उसको जानता हूँ और हमारे साथ दिल्ली से लेकर के बिहार के कोने कोने में भी साथ में चले हैं जब हम बीजेपी में थे। और वो जब छल कपट परपंच से जब डिप्टी सीएम बन गया तो हम नीतीश जी को भी बड़ी सम्मान करते हैं और मोदी जी को भी सम्मान करते हैं कि मोदी जी से यही कहेंगे नीतीश जी से कि मोदी जी ये आपको बनाने के लिए नहीं, ये जो है पगड़ी बाना है, ये आपके पार्टी को धरातल में ले जाएगा। क्योंकि बीजेपी का जो ये प्रदेश अध्यक्ष है और डिप्टी सीएम के जो घमंड अहंकार में जो चूर है, और हमारे यहाँ के बेटियों को, बिहार के बेटियों को, आपको याद होगा जब किडनी दिए थे रोहिणी बहन रोहिणी जी, तो देश नहीं बल्कि नेशनल चैनल पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज चैनल बना था कि बेटी जो अपने पिता को बचाने के लिए किडनी दी है, और उसको ये जो कुल ठेकेदार से तसिलता है रुपया, आई जो कमांडो लेकर के चलता है सम्राट, तो जब तक पगड़ी नहीं खोलेगा और जब तक उसको हटावेंगे नहीं तब तक हम काला टोपी जो हम सर पर रखे हैं देख रहे होंगे, तब तक हम भी टोपी नहीं उतारेंगे। इसको हटाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बेटियों के लिए जो बिहार में सब कुछ किए हैं, आप भी फ्रीडम फाइटर के बेटा हैं, पुत्र हैं, मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, आपसे आग्रह है कि आप जितना जल्दी इससे इस्तीफा लीजिए, सम्राट चौधरी से तत्काल इस्तीफा लिया जाए, तब तो बिहार की जनता और बेटियां माफ करेगी। नहीं तो नीतीश जी आने वाले दिनों में नालंदा की धरती नहीं बल्कि पूरे बिहार की धरती की बेटियां आपको कभी नहीं माफ कर सकती है, क्योंकि आप राजा हैं और आप उसको जो डिप्टी सीएम बनाया है उससे बेटर था। सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, कभी नहीं अभद्र टिप्पणी किए। विजय सिन्हा तो सब बड़ भोला है, उसको उसका बात को छोड़ दीजिए, सब उसका कोई बयान उतरा नहीं आ रहा था। विजय सिन्हा पर उस पर हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो विजय सिन्हा के आने वाला दिन में नीरज सिंह ही जवाब देगा। नीरज सिंह जवाब पहले भी दिया है, वो नीरज सिंह MLC ही देगा, हम लोग उस पर नहीं टिका टिप्पणी। जो सम्राट जो मैंने चाह रहा है कि कुशवाहा का वोट मिलेगा, कुशवाहा की एक बेटी भी इसके कहने पर नहीं देगा वोट बीजेपी को, NDA गठबंधन को वोट नहीं करेगी, ये बेटी का सवाल है। सम्राट चौधरी कुशवाहा, लेकिन चौधरी लिखते हैं, हमको तो लगता है कुशवाहा भी नहीं। अरे कौन जात है उसका, जाति में उतना डिबेट में मत जाइए, ज्यादा हम बोलेंगे तो बेकार वाला बात है, न्यूज चैनल है भाई, हम सम्मान का। आपका मन में बोलिए, बोलने के लिए स्वतंत्र, जब वो बोल रहे थे आपने कहा बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो सबसे बड़ी बात है उसको बोल ही नहीं आता है, बोले आता वो जो उल्टा पुल्टा बोलता है ओकरे में तोरा कुर्सी मिल गया है, उन्हें बोलेगा तो भी नहीं उचल जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद याद रखिएगा, जब अमित शाह जी और पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड जब इसको बुलाएगा दिल्ली परिणाम आने के बाद में, तो ये भाग के चल जाएगा खगड़िया, दिल्ली जाने लायक नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कैसे बोल रहे हैं? या भी भले घूम रहा है, पैसा तैसा ठेकेदार सबसे ले लिया है, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसके स्टेटमेंट से अभी इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या लग रहा है कि मानसिक संतुलन खराब हो गया? बिल्कुल संतुलन खराब हो गया है। रांची तो ले जीते जीते तो दिक्कत होगा, लेकिन यह एम्स जो बनाए हैं, राम जानकी हॉस्पिटल, नहीं नहीं एम्स वो है पटना में, हाँ वो है अपना, डॉक्टर साहब VIP में कहा को बेड उड खाली रखे,
ये चुनाव लोकसभा चुनाव तलक में ये चल जाएगा। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि पगड़ी बांधते बांधते उनका माथा का जो नस चप गया। वो पगड़ी डुप्लीकेट लाया है, फेविक्यूक जानता है ना, फेविक्यूक, फेविक्यूक से चिपका करके वो रख ले है, रतिया में खोल देता है, आदिन माह में पहन लेता है। पगड़ी डुप्लीकेट पब्लिक आदमी डुप्लीकेट है, पगड़ी तो ऐसी लाया है रेडीमेड को। बात का कोई वैल्यू नहीं रहता सर, 15 दिन पहले कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ और बोल रहे हैं। कह कुमार के बारे में कोई नेता कुछ थोड़ी है, तो लालू जी का आशीर्वाद था, योरा उमर नेता तब योरा बना दिए थे। जौन थारी में खाया था सर, उसी में छेद कर रहा हूं। उसका वही खूने में है तो क्या कीजिएगा। पहले आप बीजेपी में थे, मतलब आरजेडी में क्यों चला? आरजेडी में आगे देखिए, हमने अपने नेता का देखा कि जिस तरह से बिहार के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जैन सलाब बढ़ रहा था, हम टीवी पर देख रहे थे। उस टाइम में हम दिल्ली में ही थे और 29 फरवरी को हम गांधी संग्रहालय घूमा, और गांधी संग्रहालय घूमने के बाद में हम आकर के एक जो है शीर्ष नेताओं से मेरी बात हुई कि एक विधायक संपर्क में है, राजद का एक मित्र भी हमारे, बहुत दिनों से हमको जो है चुटकी लेते रहते थे कि कहाँ आप चल गए लुटेरा पार्टी में। तो भाई वहाँ भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जैसे गडकरी साहब हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, मोदी जी भी कुछ पदाधिकारियों को जो है बढ़िया बढ़िया को रखे हुए हैं सेंट्रल में। लेकिन जब इस सम्राट बन गया डिप्टी CM, उसी दिन हम जो है गांधी जी को पैर छू कर करके और चलाया नालंदा में आके ज्वाइन। चाल चलना आपको ठीक नहीं? नहीं नहीं नहीं, विकास नहीं करेगा, फेंकते रहेगा, फेंकते रहेगा। खाली लुटेरा है, इससे बड़ा फ्रॉड हमें लगता है कि बीजेपी में इससे बड़ा फ्रॉड कोई पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता है। हट जाएगा तो बीजेपी साफ सुथरा हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब इस्तीफा इसको देना जरूरी है। हाँ, इसको इस्तीफा देना जरूरी है, ये रहेगा तो धरातल में पहुंचा देगा। नीतीश जी को भी नुकसान है और बीजेपी को तो लेके मरेगा ये, क्योंकि बिहार के लोगों को मतलब रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। बस ये खाली बोलता है, एकों को रोजगार बच्चा को बता दे। 17 साल बनाम 17 महीना नीतीश जी को रोक देगा, नीतीश जी को ये रोक देगा, नहीं रोजगार देने देगा। हम जानते हैं उसको बढ़िया से, नशनल जानते हैं, साथ भी रह चुके हैं। हाँ, मेरा फोटो भी है। हाँ, यदा कदा सेल्फी ले लो, वह कहता था तो ले लेते थे, ऐसे हमारा कोई शौक नहीं हो रहा जो फोटो खींचवे में। एक हमारे मित्र हैं, चेयरमैन रहे हैं, 3 बार सभापति रहे हैं खगड़िया से, मनोहर यादव, जब देखे फोटो मेरा पोस्ट फेसबुक पर तो बोले कहाँ इसके साथ में आप खींचा लिए, हम जा रहा था, आ रहा था, साथ गया आया था दिल्ली तक, तो खींचा गया। ऐसे बोल रहे हैं सर, डिप्टी CM डर उन्हें कौन चीज का डर, कौन बात का, कौन भगवान है क्या, वो कौन चीज दबंग है, कम दबंग के है। हम पूरे बिहार में समाजवादी पार्टी का टिकट बांटे हैं, 2 बार विधानसभा का, 1 बार लोकसभा का। आज माननीय लवली आनंद जी, जो लवली आनंद जी को जो दिया गया है टिकट वहां से शिवहर से, मैं चेतन आनंद को कहना चाहता हूँ, चेतन आनंद पैर छू के प्रणाम करता था हमको, हवा के समाजवादी पार्टी कार्यालय में 2-2 घंटा लवली आनंद बैठी रहती थी। और जब नेताजी का, माननीय नेताजी आज हमारे नहीं है, जब नेताजी का वहां से फोन आता था तो कहते थे कि बाबूजी दे रहे हैं टिकट। जब कोई नहीं लवली आनंद को पूछा था तो सुटील यादव ने सिंबल दिया था, रामचंद्र यादव ने सिंबल दिया था, उस समय तो चेतन बच्चा था। हम लोग अगर आरजेडी में पहले से रहते तो चेतन आनंद को कोई घर से निकाल करके लेके चल जाता, ये सरकार में कुब्बत नहीं थी। बातचीत करके काफी अच्छा लगा। यहाँ पर एक और भी सर हैं, क्या कहना चाहते हैं सर सम्राट चौधरी के बयान पर? सम्राट चौधरी के बयान पर कहना है कि हम लोग क्या कहेंगे, पूरे देश, पूरे प्रदेश जो आधी आबादी है उनको भर्त्सना कर रही है। कहा कि रोहिणी आचार्य है जो अपने पिता के बचाने के लिए और साथ साथ लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा शिल्पकार हैं उनको बचाने के लिए रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया था, क्या कि देश और प्रदेश सुरक्षित रहे, जब तक लालू जी हैं तब तक पूरे लोकतंत्र बचाने के लिए वो आगे आएंगे, और मोदी और नीतीश जी को टक्कर देने के लिए पूरे देश में कोई विकल्प बच रहा है तो उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी। क्या मतलब इसके लिए सम्राट चौधरी जी को माफी मांगना चाहिए? एकदम माफी मांगना चाहिए, और माफी यदि नहीं मांगे तो उनको जो आधी आबादी है वो तो माफी रगेद रगेद के मंगवा देगा।
एकदम माफी तो हर हाल में उनको मांगना ही मांगना है, क्योंकि ऐसे बेटी होना मतलब नामुमकिन है, मतलब पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया सराहना कर रहा है उसका, नेशनल चैनल पर सराहना हो रहा है। जब वो आगे आएगी बेटी, तब ने भाई पता चलेगा कि एक बेटी का फर्ज क्या होता है। सिर्फ बेटे का फर्ज थोड़े बनता है, एक बेटी का फर्ज बनता है कि बाप को हम कैसे बचाए, देश को हम कैसे बचाए, प्रदेश को कैसे बचाए, घर को हम कैसे बचाए। इसलिए लालू यादव जी ने ऐसा संस्कार दिया है रोहिणी को, इसलिए वैसा काम वो किए हैं और आगे चढ़ बढ़ कर वो भाग लिए। और हर एक बेटी चाहता है कि इस तरह के हम अपने बाप के साथ चढ़ बढ़ के भाग लें और उनको हाथ में हाथ मिला कर चले, ताकि देश का प्रदेश का कल्याण। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यहाँ एक युवा भी है, कुछ बोलना चाहेंगे समाज को? कब ची और हम बोले, वो तो नेता लायक आदमी हमको नहीं लगता है, बीजेपी पार्टी में जुड़ गया है, नरेंद्र मोदी के देखिए शादी किया, पत्नी को छोड़ दिया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। परिवार को लेकर चलने वाला तो खाली बस ढकोसला खाली से बोलते करता है, तो बताइए लालू प्रसाद यादव जी के पुत्री है, संस्कारहीन पार्टी है, पूरा हीन है क्या उन लोग के संस्कार है वैसा है, मतलब बोलने। हाँ, बोलने का उसका संस्कार तब ना बोल रहा है, देखिए उसको सोचना चाहिए कि किसी का भी बेटी था बाप बेटी का जितना जो होता है पवित्र रिश्ता होता है उसको मतलब बताया, तब बताइए किडनी दी उसको, बोलता है कि टिकट दिया किडनी पर, इसमें सोचना चाहिए उन्हें उसको, क्या कहना चाहते हैं समाज चौधरी? कब जी कहें उसको माफी मांगना चाहिए लालू यादव जी से, वही लालू यादव जी ही बनाए उसको और वो अभी यहाँ पर उनको ही मतलब टिप्पणी कर रहा है, वो आया डिप्टी। आप लोग पूरे जनता क्या करेंगे बिहार के? बिहार के हम लोग क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं उसको कि सत्ता में बैठने नहीं देंगे, नहीं देंगे, बनने से सीएम तो बनाएंगे तेजस्वी यादव के नाम लोग जी, कैसे कैसे बनाएंगे, वोट बाद देंगे हम लोग उसको, सहयोग करें युवाओं के दिल में, तेजस्वी आ जाएंगे तो रोजगार उतना दे रहा कैसे नहीं आएंगे, कुछ किया सम्राट चौधरी कुछ किया आया था, भाषण दे रहे, वो भाषण में देवे कुछ होता है और ज्यादा ना भाषण डेली देते हैं। मेरा यश गोप नाम हुआ, यस गोपिन का नाम था और मैं था आपके साथ प्रदुमन यादव, जय हिंद।